हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और काफ़ी एग्जाम है तो इसकी तैयारी में लगे होंगे। तो आज 25 तारीख है और आज मेरा फेज 12 के ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम था जो कि थर्ड शिफ्ट है था ठीक है। तो उसका एक छोटा सा रिव्यू 3 से 4 5 मिनट में मैं दे दूंगा और जिसका भी एग्जाम है वो भी अपना मदद कर सकता है, मुझसे भी कुछ उसको पता लग सकता है और उससे मुझे कुछ पता लग सकता है। और दूसरी चीज कि SSC का CR रीजन का स्टेटस आउट हो गया, तो क्योंकि मैं CR रीजन से हूँ तो मेरा भी स्टेटस आउट हो गया है। तो मेरा कब एग्जाम है और कौन सा शिफ्ट है ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन ये सबसे लास्ट में बताऊंगा मैं वीडियो के। तो सबसे पहले रिव्यू की बात करते थे क्योंकि ज्यादातर लड़के इसी को देख के आए होंगे, रिव्यू को देख के ठीक है। तो वही काम करते हैं, उनको देखना होगा तो बाद में देखेंगे। तो जैसा कि पेपर, सबसे पहले पेपर का लेवल लेते हैं, तो पेपर इजी था ठीक है, पेपर कोई भी टफ नहीं था। और तो हम सब्जेक्ट वाले लेके चलते हैं। तो सबसे पहले कल के जैसे शुरू करते हैं कि सबसे पहले आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश के मतलब कि जो कंप्रिहेंशन था 6 से 7 लाइन का था, बहुत ही छोटा था और पूरा समझने योग्य था। तुरंत तो उत्तर प्रश्न मारो, प्रश्न देखो उत्तर मारो वाला क्वेश्चन था ठीक है। और ये टाइटल आइटल में दिक्कत हो सकती थी और हार्बर रेमेडीज से रहकर था, हार्बर रेमेडीज से रहकर था वो चीजें था ठीक है। और ये जो प्राकृतिक औषधियां हैं ये सब इसे लेकर था, पैसे था 6 से 7 लाइन का था, बहुत ही छोटा था और कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद क्लोज टेस्ट इजी, कोई दिक्कत नहीं। आपका जो ओकैप पोर्शन है बिल्कुल इजी। ओकैप का पोर्शन थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा ट्रिकी था क्योंकि आपको प्रश्न तो आ रहा था लेकिन ऑप्शन थोड़े से वो थे। मुझे लगता है कि उसका क्या ऑप्शन था, ग्रेव का, ग्रेव का ऑप्शन थोड़ा सा बिलिटिल था, एक लो था और ऐसे करके दो ऑप्शन होते, एक लाइव था कुछ ऐसे करके थे। तो उसमें क्या आपने मारा है, क्या सही होगा जरूर बताइएगा मुझे, क्योंकि मैं दोनों में क्या सही होगा ठीक है। तो ग्रेव वाले में थोड़ा सा मुझे पता था कि ग्रेव का मतलब गंभीर होता है ठीक है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा मैं शायद लो मार के आ गया हूँ, तो गंभीर को लेकर मैं थोड़ा सा लो मार के आ गया हूँ ठीक है। लेकिन इसका होगा क्या, बिलिटिल भी हो सकता है नीचा, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट था, बहुत लोगों को डाउट हुआ होगा, तो जरूर बताइएगा कि इसमें क्या होगा। और इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं थी, इंग्लिश का ईरर बहुत इजी था, एन एन रोज किया था, एन रोज मतलब रोज के पहले एन लगाया था। सेम सेम मिस्टेक कल वाले एग्जाम में मेरी आई थी, एन हिमालय किया था, तो तुरंत देखा तुरंत मार दिया ठीक है। तो ये बाकी तो इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं थी और ओवरऑल इंग्लिश इजी थी ठीक है। इसके बाद आते हैं हम अपना रीजनिंग पे। तो मैंने 25 से 25 मुझे आ गए हैं और इंग्लिश का रीजनिंग का पोर्शन बहुत ही तुच्छ लेवल था, कोई मतलब नहीं था, बिल्कुल ऐसे मारो मतलब मुझे लगता है कि 11 से 12 मिनट में रीजनिंग खत्म, और मैंने 11 से 12 मिनट में कर भी दिया था ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अपना इंग्लिश, और मतलब इंग्लिश तो बोल दिया, इसके बाद आते हैं मैथ पोर्शन। तो मैथ पोर्शन भी आराम से मैं बता दूं तो 23 से 24 क्वेश्चन आराम से कर सकते थे। एक क्वेश्चन था थोड़ा सा, एक क्वेश्चन था मुझे फंसाया था, तो मुझे लगा था कि थोड़ा सा ठीक ठाक है, लेकिन आप मुझे पूरे गए थे, लेकिन एक क्वेश्चन मेरा सिली मिस्टेक की वजह से गलत भी हो गया है, ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा पक्का नहीं है लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने वो गलत करा है। तो मैथ का लेवल भी अच्छा था, आपके गोले से था, त्रिज्या ज्ञात करनी थी और टाइम एंड वर्क से था और रेस से भी था, और आपका रेस से भी था हाँ, 100 मीटर था जिसके बीच में डिस्टेंस क्या होगी, तो 100 मीटर था उसका और टाइम एंड वर्क था। इसके बाद आपका एवरेज से भी सवाल था, इसके बाद आपका DI से सवाल था, और मतलब ठीक था, मैथ का लेवल कुछ नहीं था। आप अगर पढ़े हैं आप करके आएंगे, बहुत अच्छे से करके आएंगे, कुछ नहीं था मैथ में ठीक है। तो बता दूं कि जो लड़के 2 साल से तैयारी कर रहे हैं उड़ा के आएंगे ठीक है। इसके बाद आते हैं GS, GS भी इजी थी, मुझे लगता है कि 14 से 15 क्वेश्चन डुएबल थे, उतने मैंने उतने ही मैं करके आया हूँ, मतलब 13 14 क्वेश्चन मेरे सही होंगे और मुझे लगता है कि 1 2 क्वेश्चन मैं और सही कर सकता। कथा सरित सागर का पूछे था कि कौन से भाषा में है, सबको पता होगा कि कथा सरित सागर संस्कृत भाषा में है। इसके बाद आपका बहुत देखो याद नहीं रहता, वहां से निकलो यहाँ भूल जाता है, तो मैं ओवरऑल बता रहा हूँ कि इजी था पेपर, बहुत टफ नहीं था। 155 160+ लाए जा सकते हैं, हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन स्कोर जो है आपका इतना रहना चाहिए ठीक है। देखो अभी जब बैठा था वीडियो बनाने के लिए तो GS के 4 6 क्वेश्चन याद थे, लेकिन अभी अभी तुरंत भूल गया ठीक है। हाँ देखो याद आ गया, आपका राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित सवाल था ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति के कार्यकाल संबंधित सवाल था कि
अगर राष्ट्रपति के मतलब कार्यकाल पूरा होने के बाद वो कब तक कार्य पर पद रहे, अनुच्छेद 56, ठीक है। एक और राष्ट्रपति से संबंधित सवाल था, अनुच्छेद से संबंधित सवाल था, ठीक है। एक नीति निर्देशक तत्व से सवाल था, ठीक है, ये था। और इसके बाद और भी सवाल थे, एक एक नृत्य से संबंधित एक कोई स्त्री थी, उनका नाम पूछा था कि किस नृत्य से संबंधित है। तो ओवरऑल इंग्लिश का मैं पूरा जो पेपर था वो इजी था, मुझे कल की अपेक्षा में आज का पेपर सरल लगा। ग्रेजुएशन लेवल का था, कल मेरा तो जो था वो पेपर था मेरा इंटर लेवल का था, लेकिन आज का पेपर वाकई इजी था कल की तुलना में। और मेरे एक दोस्त भी, उसने बताया कि आज का ग्रेजुएशन का लेवल इजी था, और उसने भी जब दिया इंटर लेवल का तो उसने बताया कि इसका पेपर टफ था, ठीक है। तो ओवरऑल ये रहा। अब आते हैं कि मेरा पेपर कब है सीएसएल का। तो मेरा पेपर है लास्ट डे लास्ट शिफ्ट, 11 तारीख की लास्ट शिफ्ट को है मेरा, और मतलब अंतिम दिन अंतिम वो है। तो ये मेरा है, आपका कब है जरूर बताइएगा कि आपका पेपर कब है। और हाँ, जो कोई ये शिफ्ट दे चुका है जीएस के क्वेश्चन जिसको याद है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा प्लीज, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है, कुछ नए मैटर के साथ। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।